वीडियो शुरू होने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए ईशान टेक वर्ल्ड को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। ईशान टेक वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इन इजी वर्ड्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशान है, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ अभी आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, भले ही आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं, अगर आप कोई नया कनेक्शन ले रहे हैं या अगर आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आधार कार्ड अब मैंडेटरी नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेटीएम से अपने आधार कार्ड को डिलिंक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है और स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुली अपने आधार कार्ड को आप अपने पेटीएम अकाउंट से अनरजिस्टर कर पाएंगे, डिलिंक कर पाएंगे। दोस्तों, फिर इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अपने आधार को अगर आपको पेटीएम से डीलिंग करना है, डी रजिस्टर करना है, तो उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा पेटीएम के कस्टमर केयर नंबर में और उसका नंबर आपको यहां आ रहा होगा, यहां आप कॉल कर सकते हैं। प्लस ये नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी नंबर ले सकते हैं। कॉल करने के बाद में दोस्तों, आपका कॉल सबसे पहले आईवीआर में कनेक्ट होगा और वहां पर आपको सबसे पहले वन प्रेस करना पड़ेगा। वन प्रेस करने के बाद आपको फिर टू प्रेस करना पड़ेगा अपनी केवाईसी डिटेल्स की क्वेरी के लिए। यहाँ पर दोस्तों, आपको फिर से वन प्रेस करना पड़ेगा इसलिए कि अगर आपको सेम नंबर से क्वेरी है अपनी केवाईसी के लिए, अगर आपको कोई दूसरे नंबर से क्वेरी है तो आपको दो प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद में आपको वन प्रेस करना पड़ेगा कस्टमर केयर से बात करने के लिए और उसके बाद में आपको अपने पेटीएम का पासकोड डालना पड़ेगा। अब हर पेटीएम के अकाउंट के लिए अगर आपका केवाईसी हुआ हुआ है तो आपको एक पासवर्ड मिलता है पेटीएम की तरफ से, आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, बस वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, आप डायल करेंगे 9 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए और जब आपका कॉल रिसीव हो जाएगा तब आप उनको प्रॉब्लम कोड करेंगे अपनी, आप उनको बोलेंगे कि आपको अपना आधार कार्ड अपने पेटीएम अकाउंट से डीलिंग करवाना है। दोस्तों, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरफ से आपका कुछ वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आपका रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। दोस्तों, वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको ईमेल आएगा और उस ईमेल पे आपको अपना आधार कार्ड का और अपना फोटो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड या विदाउट सेल्फ अटेस्टेड, आपको भेजना पड़ेगा आगे के वेरिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपका फोटो उन लोग को ईमेल करने के बाद में आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, जिसको ऑब्वियसली आपको कंफर्म करना है कि हाँ, आपको अपने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन या आपको अपना आधार कार्ड अपने पेटीएम अकाउंट से डीलिंग करवाना है। जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे उसके बाद में आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि 72 आवर्स लगेंगे आपके आधार कार्ड को आपके पेटीएम अकाउंट से डीलिंक होने में। तो बस दोस्तों, ये था एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को डीलिंक करवा सकते हैं अपने पेटीएम अकाउंट से। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टेप फायदेमंद लगे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव इट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट सो प्लीज स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि आगे जो भी हमारे चैनल पे अच्छी वीडियोस पड़ेंगे इंशाल्लाह उसके अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जब तक मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितने आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है वहां शेयर कीजिएगा। तो प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब। जय हिंद।